स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सुपर स्टिचिंग में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जैकेट बनाना सिखाऊंगी, जो कि कुर्ती पे या टॉप पे किसी पे भी पहना सकता है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और यहाँ मैंने कपड़े को दो फोल्ड करके रखा है, फिर एक और फोल्ड कर देंगे, चार फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ मेरे जैकेट की पूरी लंबाई होगी 15 इंच और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ हमारा कंधा होगा 6 इंच, 6 इंच पे हम एक मार्क लगाएंगे। और उसके बाद हमारा गला होगा 3 इंच, 3 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। और गले की लंबाई होगी 6 इंच। आप चाहें तो अपने अनुसार जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और हमारा आर्म होल होगा 6.5 इंच। और हमें सीधा मार्क का निशान लगाएंगे। और यहाँ हम अपने चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे, तो हमारा 9.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। और नीचे कमर पे 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ इस मार्क को इस मार्क से सीधा कर देंगे। और हम मार्जिन के लिए 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। 1 इंच लेते हुए यहाँ एक मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे, एक बैक पार्ट का एक फ्रंट पार्ट का। और यहाँ अपना गला बना लेंगे सीधे लाइन खींच के। और राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ 6.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे और इसको उस निशान से मिला देंगे। मार्क को सीधा कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये बैक पार्ट की भी अब कटिंग करेंगे, मार्क सीधा कर देंगे ताकि सिलने में आसानी होती है। और यहाँ हम बैक पार्ट का गले का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे और इस निशान से हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसके कट लगा देंगे। और ये हमारा कटिंग हो गया लाइनिंग का पूरा। अब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी कटिंग हो गई है पूरी, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं ये काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो यहाँ ये बैक पार्ट है, अब इसको हम स्टिच करेंगे। यहाँ मार्जिन लेते हुए एक सिलाई मारते हुए पूरे गोलाई में गला बना देंगे। और इसके आर्म होल पर भी एक सिलाई करते जाएंगे। और नीचे हिस्से को भी सिल देंगे। एक हिस्सा खुले रहेंगे ताकि पलटने में दिक्कत ना हो। तो अब इसको कट लगा देंगे हम चारों तरफ इसके। कट लगाने के बाद अब हम इसको पलट देंगे, सीधा कर देंगे। देखिए इसको ऐसे सीधा कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा देंगे। ये
इससे आसानी होती है, आसानी से सिला जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये, बस स्टिच लगा के इसको पलट देना है, बाकी अलग से कुछ भी नहीं करना है। अब हम इसके चारों तरफ स्टिच लगा देंगे। और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब हम पीछे दोनों साइड में डॉट लगा देंगे। आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ डॉट लगा रही हूँ ताकि फिटिंग अच्छे से आती है। तो यहाँ हमारी बैक पार्ट की पूरी स्टिच पूरी हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिच करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैं 3 डोरी लगाऊंगी बटन लगाने के लिए, और यहाँ इसको दोनों कपड़े को उल्टे रख के और इसके बीच में ये डोरी लगा देंगे, ताकि पलटेंगे तो ये सीधा हो जाता है। आप चाहे तो डोरी की लटकन टाइप बना के बांध सकते हैं, या बटन जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर बटन लगाऊंगी जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो यहाँ इसको ऐसे रख के और स्टिच करते जाएंगे हाफ मार्जिन देते हुए, और इसको पलट देंगे। यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको पलट देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीधा हो गया है। अब हम इस पर स्टिच लगा देंगे चारों तरफ। ये वन साइड का पार्ट है, सेम उसी तरह ये भी होगा। अब यहाँ बटन मैं यहाँ पर लगा दूंगी। अब हम दोनों पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। एक कंधा मैं ज्वाइंट कर रही हूँ और फिर एक साइड से जोड़ लगा देंगे। तो यहाँ हमारी स्टिचिंग पूरी हो गई है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है डिज़ाइन देखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।